माने दर्जी, कुछ और विषयों को मैं जरा स्पर्श करना चाहता हूं। शशि थरूर जी, नींद आती होगी लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की है और मैं भी मानता हूं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस ने दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान के साथ कब क्या हुआ, अगर संविधान का महात्म्य समझते तो संविधान के साथ यह न हुआ होता। और इसलिए जितनी बार आप संविधान बोलोगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको अपनी गलतियों का एहसास करवा देगी, आपके इरादों का एहसास करवा देगी और आपको सच में संविधान इस देश के अंदर महामूल्य है इसका ताकत का अनुभव कराएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यही लोग हैं। इमरजेंसी में संविधान बचाने के काम आपको याद नहीं आया था? आपातकाल, यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप जिन्होंने किया है, इनको तो संविधान बार बार बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन लोगों को बार बार संविधान बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को लाया है, उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, उनके लिए संविधान बचाना ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट, उसने एक प्रस्ताव पारित किया हो, उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए उन लोगों को बार बार संविधान बचाओ ये मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। पीएम और पीएमओ, पीएम और पीएमओ के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महत्व है समझना बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है और देश की चुप्पी भी कभी न कभी तो रंग लाएगी। सर्वोच्च अदालत वो संविधान के रचित सीधा सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कहे कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे, आंदोलन ऐसे न हो जो हिंसा का रास्ते चल पड़े, ये बार बार और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अधीर जी, देखिए आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआरएफ ठीक हो गया है, चिंता मत करिए।
नहीं आपका सीआर हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया है, आपका सीआर ठीक हो गया। संविधान बचाने की बातों वालों का ना, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही बोर्ड में की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने, माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है, जिस तरह के बयान दिए गए सदन में उसका जिक्र सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जो भाषाएं बोली गई हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, वो इसका जिक्र और सदन के बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय में दादा पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोग यहां बैठे हैं, अगर वे वहां क्या चल रहा है इसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे ना, तो दादा आपको तकलीफ होगी। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है वो बड़ी बात ही जानते हैं लोग। कांग्रेस के समय में संविधान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकार की स्थिति क्या थी, ये मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं। अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? और शशि जी, आप तो जम्मू कश्मीर के दामाद रहे हैं, अरे उन बेटियों की चिंता करते हैं। आप संविधान की बात करते हो, और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई है। किसी की नजर में तो जम्मू कश्मीर मतलब जमीन ही था। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर में जिनको सिर्फ जमीन दिखती है, न उनको इस देश का कुछ अंदाज है, न और वो उनकी बौद्धिक दारिद्रता का परिचय करवाता है। कश्मीर
कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की आइडेंटिटी बम बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990 जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है, कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंथ संभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। कैसे भविष्यवेत्ता है, आग लग जाएगी 370 हटाने के बाद। और आज जो लोग बोलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नेता जेल में है, डिकना है, फलाना है, वगैरह वगैरह। जरा मैं इस सदन, ये संविधान की रक्षा करने वाला सदन है, ये संविधान को समर्पित सदन है, ये संविधान का गौरव करने वाला सदन है, ये संविधान के प्रति दायित्व निभाने वाले सदस्यों से बना हुआ सदन है। तब जाकर के मैं सभी माननीय सदस्यों के आत्मा को छूने की आज कोशिश करना चाहता हूं, अगर है तो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, महबूबा मुफ्ती जी ने 5 अगस्त को क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, और संविधान को समर्पित लोग जरा ध्यान से सुने, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने, ये शब्द बड़े गंभीर है, उन्होंने कहा था, भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है, हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था उसने हमें धोखा दिया है, ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं क्या? उनकी वकालत करते हो, उनका अनुमोदन करते हो? उसी प्रकार से श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 को हटाना, आर्टिकल 370 को हटाना, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था
370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा।